हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी टिकुली आर्ट के बारे में और हम टिकुली आर्ट पर आधारित एक पेंटिंग बनाएंगे। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए ये मैंने वाइट पेपर लिया है और थिक वाइट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और पेंसिल, इरेज़र, स्केल का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही एक्रेलिक कलर या वाटर कलर्स यूज़ कर सकते हैं आप इसको कलर करने के लिए। ये ब्रशेस और ब्लैक परमानेंट मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के साथ बनाएंगे हम ये पेंटिंग, और राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग में हम दो बॉर्डर्स बनाएंगे। 1-1 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले दो बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले बॉर्डर को मैंने 1 सेंटीमीटर चौड़ा रखा है। दूसरा बॉर्डर जो है उसके बीच में मैं एक लाइन बना दे रही हूँ, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन बनानी है हमें कि उसे बीच से दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 सेंटीमीटर के दो पार्ट्स में हमारा दूसरा डिज़ाइन होगा। तो सबसे पहले डॉट्स लगाकर और बॉर्डर लाइंस नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर लेंगे। बॉर्डर लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम राधा और कृष्ण की आकृति को सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। टिकुली आर्ट में फिगर्स को ड्रॉ करने का एक खास तरीका होता है दोस्तों, और उसे बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा आपको। जैसे कि बाल को ड्रॉ करके उसकी हमेशा डबल लाइन बनाई जाती है, और चेहरे और गर्दन के नीचे का हिस्सा यानी कि अपर बॉडी को बनाने के लिए एक ओवल शेप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, राधा कृष्ण की आकृति इस पेंटिंग की मुख्य आकृति है, इसलिए सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेना है बहुत ध्यान से, ताकि ये बिल्कुल बीच में बने पेंटिंग के, क्योंकि इसके अराउंड हमें और बाकी बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। तो मेन फिगर मैंने बना लिए हैं और इसके अंदर की डिटेलिंग वगैरह अभी मैं कर रही हूँ। स्विंग बनाने के लिए मैंने स्केल का इस्तेमाल किया है। टिकुली आर्ट में सर्कल के शेप का खास महत्व है, क्योंकि इसको सजाने के लिए और इसमें और बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए गोल आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है। लोअर बॉडी को ड्रॉ करने का भी एक खास तरीका होता है दोस्तों, और इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने राधा और कृष्ण की लोअर बॉडी को कैसे ड्रॉ किया है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तभी आपकी पेंटिंग टिकुली आर्ट कहलाएगी। डबल लाइंस, बहुत सारी गोल आकृतियाँ और बालों की डबल लाइनिंग, इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। टिकुली स्टाइल का ट्री है ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और इसी तरह से सारी चीज़ें इस पेंटिंग की ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से, और इसके बाद ब्लैक से आउटलाइन शुरू करेंगे। इस पेंटिंग की सारी चीज़ें मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर ली हैं, और आपको और अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैं ब्लैक आउटलाइनिंग से आपको दिखाती हूँ। वैसे भी सबसे पहले हमें ब्लैक आउटलाइनिंग करनी है सारी चीजों की।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों टिकुली आर्ट में हर एक शेप की ब्लैक आउटलाइनिंग नहीं होती है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, उनको हम कलर करते समय सीधे कलर से ही बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ों की ब्लैक आउटलाइनिंग कर लेंगे। और ये बॉर्डर लाइंस को मैंने स्केल से ही आउटलाइन कर दिया है क्योंकि हम पेपर पे बना रहे हैं और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आसानी से और जल्दी हो जाता है ये। इस पेंटिंग की कलरिंग हम पार्ट टू में करेंगे, तो टिकुली आर्ट का पार्ट टू देखने के लिए और इस पेंटिंग को पूरा बनता हुआ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेंटिंग की ब्लैक आउटलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और फिर मिलती हूँ आपसे गुरुवार को और हम इस पेंटिंग को कलर करेंगे। टिल देन बाय बाय।